दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी कंट्री की नेवी का मोस्ट फॉर्मिडेबल वेपन क्या है? जी हाँ, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन की वजह से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के कंपैरिजन में एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अंडर वाटर रह सकती हैं एंड लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकती हैं, और इसीलिए 2019 में इंडिया ने रशिया के साथ INS चक्रा 3 प्रोक्योर करने की डील साइन करी थी। लेकिन यूक्रेन वॉर के चलते ये सबमरीन इंडिया को टाइमली नहीं मिल पाएगी और इंडिया अभी तक एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ऑपरेट नहीं करता। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंडिया INS अरिहंत और INS अरिघात को ऑपरेट करता है, जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ना कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। देखिए, जहां एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का गोल सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करके एक देश को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है, वहीं न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के मल्टीपल रोल्स होते हैं,